नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हमारे साथी रामदयाल मीणा जी पूछ रहे हैं कि कोई कॉन्टेक्टर को वेज करने पर स्विच को 0 या 3 पर क्यों रखते हैं। कोई कॉन्टेक्टर का मतलब यहाँ पे ईएम कॉन्टेक्टर है, खास करके C105, C106 और C107 की बात ये कर रहे हैं। क्यों रखते हैं उसका कारण मैं इस वीडियो में बताऊंगा और सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के दिल में बसे हुए प्रभु को नमस्कार। ईश्वर की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप रोज करते रहिए। और ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, इसलिए ईश्वर का भजन रोज किए, वही हमको बचाते हैं, प्रेरणा देते हैं अंदर से। आप अनुभव करके देख लीजिए। शिवदयाल मीणा जी नहीं, रामदयाल मीणा जी पूछते हैं कि कोई कॉन्ट्रेक्टर को वेज करते हैं तो स्विच को 0 या 3 पे क्यों रखना पड़ता है। तो हालांकि मैंने ये बात डीजे कंट्रोल सर्किट में और भी अच्छी तरह समझा तो दी है, लेकिन उन्होंने पूछा है तो और समझा देता हूं। तो देखो, जब किसी कॉन्ट्रेक्टर को वेज करते हैं, जैसे C107 को वेज किया, तो Q118 की ब्रांच पर उसका NC इंटरलॉक खुल जाएगा। किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को वेज किया तो NC खुल गया, जैसे मैंने पहले बताया हुआ एक वीडियो में, कदे को ये रिले इनर्जाइज हो, शॉर्ट वीडियो में रिले इनर्जाइज हो रही है, NC खुल रहा है, NO लग रहा है, ऐसा बताया हुआ है। तो C107 को वेज किया यानी कि इनर्जाइज हुआ, इनर्जाइज कंडीशन में वेज करना है, तो NC इंटरलॉक खुल गया। अब Q118 से जब NC इंटरलॉक खुल गया तो बीच में उसके QVRH का NO है और साइड में स्विच का है, उसकी सप्लाई तीनों जगह से कट गई। अब बैटरी को ऑन करने पर Q118 इनर्जाइज ही नहीं होगी, तो VCB क्लोज कैसे करेंगे। इसलिए जब भी किसी EM कॉन्ट्रेक्टर को 105, 106, 107 किसी को भी, मतलब 105, 106, 107 जो Q118 पे जिसके NC इंटरलॉक लगे हुए उसकी बात है, तो DJ क्लोज करने के लिए उससे संबंधित स्विच को 0 या 3 पे रखकर DJ को क्लोज किया जाता है। DJ को क्लोज करने के बाद उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। जैसे C107 को वेज किया है हमने, HVRH को 0 पे रख दिया, DJ को क्लोज कर दिया, उसके बाद में BLVMT तो ओपन ही है, HVRH को वापस 1 पे रख देंगे, क्योंकि अब DJ कैसे मेंटेन रहेगा, QVRH पिकअप हो जाएगी और QVRH का NO इंटरलॉक लग जाएगा, भले इधर NC खुला है, QVRH का NO लग गया और Q118 को सप्लाई चली जाएगी, इस प्रकार DJ क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब जब भी DJ ट्रिप होगा तब फिर से आपको स्विच को 0 या 3 पे रख के ही DJ क्लोज करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रल सेक्शन में हो चाहे किसी भी कारण से DJ ट्रिप हुआ हो, तो जब जब DJ क्लोज करना हो तब तब आपको HVRH को 0 या 3 पे रख के DJ क्लोज करना होगा। DJ क्लोज करने के बाद उसको फिर से नॉर्मल कर देना होगा। अब बात आती है नॉर्मल नहीं करें तो क्या होगा, नहीं करोगे तो उसकी सेफ्टी बाईपास हो जाएगी। अगर QVRH आके भी काम नहीं करेगी या ब्लोअर नहीं चलेगा तो फिर ट्रिपिंग कैसे मिलेगा, जो BLVMT को क्लोज करने पर ट्रिपिंग मिलता है वो ट्रिपिंग आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में से जो भी वीडियो आपको देखना हो आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। कोई भी बात एकदम समझ में नहीं आती है, कई लोग बोलते हैं साहब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, तो एकदम नहीं आता समझ में, थोड़ा थोड़ा आप रोज देखेंगे ना तो आता जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही थे, स्टार्टिंग में थोड़ी समझते थे क्या, लेकिन धीरे धीरे समझना आ गया। और ऑडियो सुनते रहिए कभी कभी, जब भी आपको टाइम मिले तब, खबरी ऐप पे, खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ मैं बहुत ही अच्छे अच्छे रिविजन के लिए ऑडियो भेजता हूँ। तो इस प्रकार आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमेशा आनंदित होकर काम कीजिए, प्रसन्न मुद्रा से काम कीजिए। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है ईश्वर भी उससे प्रसन्न रहते हैं, है ना। हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वर्किंग में देखो, वर्किंग करोगे तो आएगी, जो काम करता है उसको प्रॉब्लम तो आती है, मेरे को भी आती है, आपको भी आती है, सबको ही आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से फाइट करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।